दोस्तों सीए फाउंडेशन चैप्टर नंबर 3 यूनिट 2 का सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने बेसिक कॉस्ट देख लिया, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, उसके बाद इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है, उसी को अगर मैं बोलूं अकाउंटिंग और इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है, बहुत सारी बातें हमने समझी। अब ये चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट आएगा, फंक्शंस ऑफ कॉस्ट। उतना अगर आपने पार्ट अच्छे से कर लिया चैप्टर 3 का, तो मैं आपको अश्योरेंस देता हूं कि चैप्टर 3 के जितने भी एमसीक्यूज आएंगे सब आपको सॉल्व करते आएंगे। तीन पार्ट में इस चैप्टर को मैं डिवाइड करता हूं। पार्ट 1, जहां पे तुमने वो कॉस्ट के टाइप्स देखे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, फिक्स, वेरिएबल, वो पार्ट 1 था जो हमने कल किया। पार्ट 2 जो आज करने वाले हम लोग, मतलब जिसमें टेबल है, और ये शॉर्ट रन क्या, अभी शॉर्ट रन लॉन्ग रन क्या होता है, अगर आप पहले टाइम से ध्यान दो तो बहुत सही रहेगा। ये शॉर्ट रन में इतने कॉस्ट होते हैं, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, इसको मैं आप स्टार्टिंग में 10 मिनट में इसके सारे फॉर्मूले भी बता दूंगा, और फिर मैं शुरुआत से लेक्चर वापस चालू करूंगा फंक्शन से। और एक लॉन्ग रन वाला है, वो खत्म होने के बाद सी कैटेगरी का लास्ट पॉइंट है, इकोनॉमी ऑफ स्केल और डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल, और वो थियोरी है पूरा। उसमें कोई आपको ना क्या कोई फॉर्मूला है, ना तो न्यूमेरिकल कोई चीज है, कोई बिल्कुल थियोरी है। इकोनॉमी ऑफ स्केल मतलब अच्छी बात है कि तुम्हारे मैनेजमेंट बहुत सही है, तुम्हारा सीईओ बहुत टैलेंटेड है, इंप्लॉय बहुत मेहनती है, तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छा स्केल कर रहा है। डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल मतलब तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में झगड़े हो रहे हैं, है ना, तुम्हारा कुछ तो स्ट्राइक पे बैठ रहे, और ऐसी बहुत सारी बात है जिसकी वजह से तुम्हारे प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ रहा है, वगैरह वगैरह। तो ये चीजें हम एंड में देखेंगे सी पार्ट में। तो आज हम बी पार्ट चालू कर रहे हैं। बी पार्ट में अगर मैं तुमको बेसिक बात रिवीजन करा के दूं, ये शॉर्ट रन का है। अब शॉर्ट रन क्या कैसे है तुम अभी समझोगे। तो आप लोग याद रखना, एक कौन सा कॉस्ट आता है, टोटल फिक्स कॉस्ट, जो कभी भी चेंज होता नहीं है। सिंपल सी बात, इवन आपका प्रोडक्शन जीरो है तो भी टोटल फिक्स कॉस्ट आएगा क्या, आंसर इज यस, ये समझो। फिर एक आता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब जो प्रोडक्शन के साथ चेंज होती है, वेरी होती है, उसे कौन सा कॉस्ट कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो आप देखोगे जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, वेरिएबल कॉस्ट एक लेवल तक बढ़ रहा है, फिर वो कम भी हो रहा है, सोन। लेकिन यहाँ पे हमने देख रहा है कि इसका चेंजिंग हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो बढ़ेगा, कम होगा तो कम हो जाएगा, तो वेरिएबल कॉस्ट देखा। टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों को हम जोड़ ले तो हमारा कौन सा हो जाता है फॉर्मूला, टोटल कॉस्ट। और ये तुम यहां पे ऑब्जर्व करो तो 1000 इक्वल प्लस 0 1000, 1000 प्लस 50 1050, 1000 प्लस 90 1090, तो एकदम सिंपल लग रहा है। लेकिन तुम इसके अलावा कभी देखोगे ना, और तुमको ऐसे अगर फॉर्मूला दे, तो फॉर्मूला देखने के बाद तुमको ये चैप्टर ना थोड़ा दिमाग के ऊपर चला जाता। वो बताते टोटल कॉस्ट टीसी इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब तुम बोलते सर ये क्या भयानक चीज है, ये वही चीज है तुम अभी यहां पे देख रहे हो, समझ में आ रहा है। तो एकदम सिंपल है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या, टोटल कॉस्ट। तीन कॉस्ट हो गए, चौथी आ रही है एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो फर्क है शब्दों में, मैं जब बोलता हूं टोटल फिक्स कॉस्ट वो कभी भी चेंज होती नहीं, लेकिन अगर मैं शब्द यूज करता हूं एवरेज फिक्स कॉस्ट, अगर मैंने बोला एवरेज फिक्स कॉस्ट तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता बेटा, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय तुम्हारा जो यूनिट है प्रोडक्शन का, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो, ये तो आंसर इसका कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन हजार को एक से डिवाइड करोगे आंसर क्या रहेगा, हजार। हजार को टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट 200 यूनिट डिवाइड करोगे आंसर रहेगा 500। हजार क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही है, तो आपका 33.33 आ रहा है। देखो ये बनाया ये टेबल, अगर आपको मैं सिर्फ ये दो ये तीन डेटा दू तो आगे के सारे कॉलम तुम फिल कर सकते हो, और तुमने फिल करने चाहिए, उसको भरने चाहिए, तो ही तुमको कंसेप्ट समझा है। मतलब ऊपर तो मैं थियोरी बताऊंगा, ये अगर समझ लेते हो तो ऊपर का थियोरी तुम लोग बोनस में रहोगे, अगर यही नहीं समझता तो फिर तुमको ऊपर ना सिर्फ चलेगा चलेगा, हाँ भाई खत्म करो करके, और तुम अल्टीमेटली क्या करोगे, हाँ चैप्टर का इतना ही है, फिर ये नहीं आएगा, इसका लोड आएगा चार पे, और मैं बोलता पांच ही चैप्टर करने, अगेन मैं बार बार बता रहा हूं, तुम आराम से स्कोर कर सकते हो, और स्कोर गिरता है तीन और चौथे चैप्टर में, फिर तीसरे में ये भयानक चीजें देखते, ये देखते डायरेक्ट बच्चे कभी कंसेप्ट देखते नहीं, वो रट्टे डायरेक्ट बोले टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी, बोले क्या, बोले कुछ तो है सर समझ में नहीं आ रहा, तुमको समझ में आ रहा है, वेरी एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वर्ड लग गया, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या इंक्रीज होता है कि डिक्रीज हो रहा है,
तो आपको ये कोई भी थियोरी क्वेश्चन बना के देना कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एवरेज फिक्स कॉस्ट डिक्लाइन होगा, ट्रू और फॉल्स, आंसर इज ट्रू। लेकिन इसी में एवरेज वर्ड नहीं लगाया, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा टोटल फिक्स कॉस्ट डिक्लाइन होगा, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे वर्ड में क्या डिफरेंस आ गया, टोटल और एवरेज, क्योंकि एवरेज का तुरंत फॉर्मूला बदल जाता है, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट। इतना क्लियर हो रहा है दिमाग में घुस रहा है बेटा? तो ये देखो, ये सारे नंबर्स तुम ढूंढ सकते हो और यहाँ पे तुमको कुछ भी मिसिंग डेटा दिया तो आप आराम से उसे, कैलकुलेटर आपको अलाउड है तो आप नंबर डाल, लेकिन एवरेज फिक्स कॉस्ट बार बार बोल रहा हूं, एवरेज फिक्स कॉस्ट। अब ये पहला कॉस्ट था, ये दूसरा है, ये तीसरा आपने पढ़ा, चौथा आपने एवरेज फिक्स कॉस्ट, पांचवा क्या बेटा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। क्या फॉर्मूला है? टोटल एवरेज कॉस्ट, जो भी तुम्हारा दिस वन, टोटल सॉरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट। तो जब तुम वेरिएबल कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड करते हो तुम्हारा कौन सा आता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो 50 डिवाइडेड बाय 1 आंसर क्या रहेगा, 50। 90 डिवाइडेड बाय 2 टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट आंसर क्या हो जाएगा, 45। 140 डिवाइडेड बाय 3 तुम्हारा जो भी आंसर आएगा 46.67, कर लो कैलकुलेटर पे, ठीक है। उसके बाद 196 डिवाइडेड बाय 4 पूरा ही जाएगा तो आंसर आएगा 49। तो ये जो चीज है, ये जो नंबर बने, मैंने आपको कहा ना, ये अगर डेटा नहीं भी दिया रहता तो भी तुम्हारे ये नंबर सही होने चाहिए, तो उतनी बार तुम्हारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला रिवाइज होता है। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बाद में तो थियोरी ऊपर बहुत बताने वाले, तुम ऑब्जर्व करो, 1000 से क्या हुआ, 500 बढ़ा है कि कम हुआ, कम, ये बढ़ा कि कम हुआ, कम, यहाँ पे 200, 166, 142, 125, 11, 190 और 83, यहाँ पे वो क्या होते जा रहा है, डिक्लाइन होते जा रहा है। तो तुमने याद रखना है कि क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है तुम्हारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो रहा है, और यहाँ पे आते चलो, एवरेज फिक्स कॉस्ट तो रिड्यूस ही हो रहा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को हम स्टडी करते हैं, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी भी बढ़ा क्या, नहीं, एक ऑब्जर्वेशन हमने किसका किया, एवरेज फिक्स कॉस्ट। अब हम आते हैं किसमें, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, 50 से 45 डिक्लाइन हुआ, 45 से 46, फिर 46 कम था, 49 क्या हो गया, बढ़ गया, 51, 54, तो ये पहले डिक्लाइन हुआ बाद में क्या हुआ, बढ़ा, तो इसका शेप कुछ तो ऐसे आएगा, यू शेप बोलते हैं इसको, यू शेप, इनडायरेक्टली क्या बेटा, यू मतलब वो सही का साइन होता है ना ऐसे, करेक्ट का, वैसे कि पहले वो क्या था, 50, 50 से डिक्लाइन हुआ, फिर डिक्लाइन होने के बाद क्या होने लगा, वो बढ़ने लगा। बिहेवियर समझ में आ रहा है क्या, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, ये तुमको नंबर अच्छे से समझते हैं, ऊपर थियरी में यही चीज दी रहेगी, वो तुमको बोलेंगे इनिशियली आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट थोड़ा डिक्लाइन होगा फिर इंक्रीज होने लगेगा, तुम बोलेंगे क्या बोल रहे, लेकिन तुमको समझ रहा है क्या अभी प्रैक्टिकल, वो बोले एवरेज फिक्स कॉस्ट हमेशा डिक्लाइन ही होगा, वो कभी बढ़ाएगा नहीं, तो इसका यू शेप हो सकता नहीं। कौन सा नंबर का एमसीक्यू दे, तुमने पढ़ा था अगर तुमको याद हो तो मतलब तुम लोग जाओ मेरे को नंबर बताओ, और तुम भी ऑनलाइन में जो देख रहे बाद में वो चेक करना, तुमने वो टिक भी किया था, टेबल के आगू बाजू ही था वो एवरेज, उसका शेप कर्व का शेप से रिलेटेड था, यू शेप कर्व नहीं है, कौन सा बेटा, 18 नंबर का देखो क्या एमसीक्यू है, बताओ तो बेटा, वही है क्या, मेरे को चेक करना है, तो बताओ, 18 क्या दिया हुआ इन्होंने, और देखो रेंद्र उठा के देता हूं, 18 नंबर का एमसीक्यूज है, और 18 नंबर के एमसीक्यूज में उन्होंने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज नेवर व्हाट यू शेप, क्यों यू शेप होगा ही नहीं, मतलब वो कर्व चालू हुआ तो डिक्लाइन नहीं हो रहा, वो बढ़ ही नहीं रहा, और कौन सा है, एवरेज फिक्स कॉस्ट। और वहां पे आपका ऑप्शन देखो कौन सा दिया हुआ है, एवरेज कॉस्ट, देखो डी है, एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व, खत्म। तो ऐसे पढ़ना पड़ेगा तब जाके चीजें समझेगी, थियरी पे तो ऐसे लगता है यार क्या बाउंसर चीज है, दिमाग में ही नहीं जा रहा करके, लेकिन इसका आप ये प्रैक्टिकल चीजों से देखिए, ठीक है। तो एवरेज वेरिएबल समझा, ओके, छठवा क्या बेटा, एवरेज टोटल, तो उन्होंने अभी एवरेज फिक्स नहीं बोला, एवरेज वेरिएबल नहीं बोला, क्या बोला, एवरेज टोटल कॉस्ट। और एवरेज टोटल कॉस्ट के मैंने कहा था दो फॉर्मूले बनेंगे, एक क्या, योर टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट, ये वाला एक फॉर्मूला है, और दूसरा एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट, ये दो फॉर्मूले यहाँ पे बनते हैं। अगर मैं इसका हर एक चीज को एक्सप्लेन करूं तो देखो 1050 डिवाइडेड बाय 1, ये पहला फॉर्मूला, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट, तो एवरेज टोटल कॉस्ट कितना आएगा, 1050।
दूसरा क्या बेटा, एवरेज फिक्स कॉस्ट 1000 + 50 कितना आया 1050। तो इसके दो फॉर्मूले बन रहे, समझ में आ रहा है क्या बेटा सबको, बोले सर नो। तो यहाँ पे एवरेज कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, अब बोलते हो तो तुम हाँ बोल रहे हो, लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं एवरेज टोटल कॉस्ट, ऐसा शॉर्ट फॉर्म देते एटीसी, वहां पे पूरा नहीं लिखते। अब तुमको ये क्लिक करना करने का काम है कि हमको यार मतलब इतना तो दिमाग चलाना पड़ेगा। एटीसी का फुल फॉर्म क्या है, एवरेज टोटल कॉस्ट। तो इसका फॉर्मूला तुम एक तो बोलोगे क्या, आपका विच कॉस्ट, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय तुम्हारा टोटल यूनिट जो भी रहेगा, और एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये दोनों फॉर्मूले हो सकते हैं। तो ऐसे तुम शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो फिर ये फायदा रहेगा करके, ठीक है मालिक, ये समझ में आ रहा है। तो तुम लोग कैसे भी, और क्या होता है बहुत बार राजा, वो तुमको ना मिसिंग फिगर देते हैं, मतलब तुमको क्या किया, क्या क्या कहा जाएगा पता है, ध्यान से देखना, मैं तुमको एक चीज यहाँ पे समझाता हूँ कि वो कैसे सवाल पूछ सकते हैं। वो तुमको क्या क्या देंगे, तुमको कहेंगे कि तुम्हारा एवरेज टोटल कॉस्ट है 380, ठीक है, एवरेज देखो यहाँ पे एवरेज एटीसी है 380, तुम्हारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है 46.67, व्हाट विल बी योर एवरेज फिक्स कॉस्ट, ऐसे क्वेश्चन मार्क पूछेंगे हो, क्या करोगे, कैसे निकालोगे। मैंने अभी अभी आपको कुछ पूछा है, मैंने पूछा है बताओ कि इस पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 3 पे अगर मेरा एवरेज टोटल कॉस्ट 380 है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 46.67 है, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है, ढोकलो आंसर तो यही है, बट ये ऐसा आएगा क्यों, कैसे बोलोगे, अरे क्या सर ऐसा पूछ दिया, तो बोले फेल हो जाओगे, फेल होने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए, ढोकलो दिमाग लगाओ, तुम्हारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला आज भी यही है, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज व्हाट इज इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट। तुमको यहाँ पे उन्होंने ये तो दे दिया एवरेज, एवरेज टोटल कॉस्ट दिया है 380, तुमको क्या पता है एवरेज वेरिएबल पता है, तो इस प्लस को इसमें से क्या कर दो माइनस, मतलब 380 में से 46.67 माइनस करो, तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा 33.33। समझ में आ रहा है क्या, वो कैसे भी घुमा सकते हैं, पेपर डिफिकल्ट आईसीआई है, वो कुछ भी करेगी, वो क्या चाहती है, सीए में बच्चों को ऐसे 70% जनता फेल हो रही है, तुमको भी पता है, कोई भी अटेम्प्ट का एक एवरेज रिजल्ट निकालो, तो क्या वो बच्चे होशियार नहीं, ऐसा नहीं, वो भी तो पढ़ रहे हैं, 90% बच्चे सीए करते मतलब पढ़ते ही है, तो आईसीआई क्या बोल रहा है कि तुम सिर्फ एनालिटिकल रहो, तुम सिर्फ ऐसे रट मत लो, तुमने सीधा किया है ना, हम लोग उल्टा पूछेंगे, हम तुमको पूछेंगे एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालो, दोनों डेटा दे दिया, बच्चा तो ये फॉर्मूला लर्न करके आया था, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट, तो एवरेज टोटल कॉस्ट से तुम वो प्लस माइनस फॉर्मूला घुमा सकते हो, इसलिए इस टेबल का प्रैक्टिस करना, टेबल में ये तीन डेटा तुम लगता है तो ये एक ही डेटा लिख, ये दो डेटा लिख लेना, ये दो के बाद आके के सारे कॉलम तुम बना सकते हो, और तुम बनाओ भले यहाँ पे दिए हुए, थोड़ी मेहनत जाएगी, तुम बोला कितना फालतू का, मैं लगने दो फालतू का, लेकिन तुम ये बनाओ, ये दो डेटा लिखने के, दिस प्लस दिस क्या मिल जाएगा टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय दिस क्या मिल जाएगा एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, दिस डिवाइडेड बाय दिस क्या मिल जाएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एक तो इन दोनों का प्लस कर लो, नहीं तो टोटल को इससे डिवाइड कर दो, और फिर तुम अल्टीमेटली लास्ट क्या है बेटा तुम्हारा मार्जिनल कॉस्ट, और मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलता है, मार्जिनल कॉस्ट के वक्त जब तुम मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हो तो एक काम करो, मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त इन सारे कॉलम को इग्नोर कर दो, यहां तक टोटल कॉस्ट तक, इस इन तीनों कॉलम को मत देखना, तुमको क्या देखना है, और इन दोनों कॉलम को भी मत देखना, तुमको निकालना है विच कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, और तुमको पूछा है कि थर्ड यूनिट पे मार्जिनल कॉस्ट बताओ, तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या रहेगा सर, 1040 थर्ड यूनिट का टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट एट यूनिट 3 माइनस टोटल कॉस्ट एट यूनिट 2, तो 1040 माइनस 1090 तो तुम्हारा आंसर आएगा 50। समझ में आ रहा है क्या मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला तुमने कल लिखा भी था, तुमने ये लिखा था टोटल कॉस्ट एन माइनस टोटल कॉस्ट एन माइनस वन। अब ये पूरा ऊपर थियरी है, ये जो मैं तुमको एक्सप्लेनेशन टेबल से दे रहा हूं, ये तुम अगर ऊपर रीड करना भी चालू करेंगे तो तुमको ध्यान में आएगा, यार यही चीज उन्होंने बताई है, उन्होंने फॉर्मूले भी दिखाए, तो वो तुम्हारा हो रहा है यहाँ पे, और यहां से ज्यादा समझेगा, वहां पे थियरी में तुम ज्यादा से ज्यादा तुम क्या करते हो, मार्जिनल कॉस्ट मतलब एडिशनल कॉस्ट ऐसा बोलते हो,
फिर प्रोडक्शन बढ़ने के बाद जो कॉस्ट एड हो रहा है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। बट निकालो कैसे, बोले नहीं निकालते आएगा। और सवाल इस पे ही आते हैं, तुमको पूछते 6 यूनिट्स पे मार्जिनल कॉस्ट बताओ क्या आएगा, मार्जिनल कॉस्ट। तो तुम देखोगे 6 यूनिट का टोटल कॉस्ट कितना है 1325, उसको कौन से यूनिट के टोटल कॉस्ट से माइनस करोगे 5, मतलब 1255, कितना आएगा आंसर 70, ठीक है 70 ना, हाँ ठीक है। तो मुझे 9th यूनिट पे निकाल के तो मार्जिनल कॉस्ट क्या आएगा, चलो फटाफट 1570 माइनस 1480, तुम्हारा क्या आ गया आंसर 90। तो ये टेबल तुम बना सकते मालिक, समझ में आ रहा है क्या? लेकिन वो क्या करते पता है, गेम क्या खेलते तुमको बता रहा हूं, देखो मैं अभी जो बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको निकालते आ गया ना सब। अब वो क्या करेंगे राजा, थोड़ा अपने आप को डिसिप्लिन रखना और आंसर तुम तो तुम्हारे आंखों के सामने पूरा टेबल तुमको दिख ही रहा है, बट अब तुमने देखना है कि सर यहाँ पे अगर देख लेंगे तो फिर सीन खत्म ही हो जाएगा, फिर कुछ नहीं आएगा। तुमको ना ये दो टेबल को इग्नोर करना है, तुमको क्या दिया है डेटा जरा ध्यान से समझना। सेकेंड पे टोटल कॉस्ट कितना है बेटा 1090, थर्ड पे टोटल कॉस्ट कितना है 1140, ये मार्जिनल भी दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा। वो बोलेंगे फोर्थ यूनिट पे मेरा मार्जिनल कॉस्ट है 56, तुम टोटल कॉस्ट निकालो कितना आएगा, बोले अब तुमको टोटल निकालने को बोला है। ये पूछा है अजी, डाउट था ऐसे ही था वो, ये ऐसा सवाल है, बोले मार्जिनल कॉस्ट है तो बता टोटल कितना आएगा फोर्थ पे, फोर्थ का मार्जिनल कॉस्ट पता है 56। अजंता बोले कि सर ने हमको ऐसे सिखाया नहीं, अभी ढोकले फॉर्मूला पता है थोड़ा यूज कर, एक काम कर मालिक क्या करना है तुझे, ये पता है ना, इसमें ये ऐड कर दे 56, इसमें अगर तू आगे का 56 मार्जिनल कॉस्ट ऐड करेगा तेरा आंसर आ जाएगा 11 क्या बेटा 96, और तेरे को अगर क्रॉस चेक करना है तो इसमें से 56 माइनस कर, बराबर तो उधर पहुंचेगा। तो अब तुमको ये सिखाना नहीं पड़ना चाहिए, मतलब तुमको समझा कि सवाल क्या पूछेंगे, वो क्या करेंगे अब तुमको ये 1250 पता है, ये पता है 70 पता है, बोलेंगे ये कितना आएगा बताओ, तो दिस प्लस डायरेक्ट जिसका यूनिट का पूछा मार्जिनल ऐड करो, तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा, मतलब ये तुम्हारे सारे एमसीक्यूज डन हो गए। लेकिन इसको तुमको इस तरीके से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समझ रहा है क्या, मतलब टेबल बेस्ड एमसीक्यूज आएंगे तो ऐसे आएंगे। और ये तुमने अब तक कितने कॉस्ट देखी, 1 2 3 4 5 6 7, अभी उसी का डिस्कशन शॉर्ट रन में हम लोग करेंगे, और हम कॉस्ट फंक्शन को देखने वाले, बहुत सिंपल है लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और एक बार मेहनत की बेटा इकोनॉमिक्स में 80-90-95 तक बीसी के प्लस चले गए तो तुमको बोल रहा हूँ कि तुम्हारा फाउंडेशन का पास होना ये एक फॉर्मेलिटी रहेगी, क्योंकि तुमको ना तो अकाउंट का डर है, और अकाउंट में तुम अभी करो फॉर योर अटेम्प्ट। ये जो चैप्टर चल रहा है गुड सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस जो डिसंबर अटेम्प्ट को लास्ट है, फालतू चैप्टर है, मतलब 7 इलस्ट्रेशन और 3 आज 5 तक आए हम लोग, और वहां पे कुछ दम नहीं था उसमें, मतलब तुम लोग पहला इलस्ट्रेशन और बेसिक अच्छे से करो, मतलब अकाउंट में तुम्हारा कॉन्फिडेंस लास्ट में बढ़ते जाएगा। अब जो ए कैटेगरी चैप्टर है मार्क्स देंगे, बी सी छोड़ना चाहिए, तुम उस पे ही मार्क्स शायद ला सकते, इतना सिंपल है। बट इकोनॉमिक्स अकाउंट्स ये टारगेट रहे तो लॉ और मैथ्स में कितनी भी बजी तो पासिंग तक तो बंदा लड़ी लेता है, तो तुम्हारा 200 के ऊपर आराम से स्कोर जाएगा। नाउ सी, ये तुमने ऑलरेडी अभी देखा था, देखो तुमको अभी जो ऊपर में स्क्रोल कर रहा हूं तो ये इस टेबल के ऊपर ये चीज किसका फॉर्मूला ही है, मार्जिनल कॉस्ट का। देखते जाओ तुम, क्योंकि जब मैं नीचे वापस से पढ़ते आओगे तुमको ऐसे ही लगना चाहिए कि बहुत कुछ अलग चीज है, वही चीज है। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, टोटल कॉस्ट एन माइनस टोटल कॉस्ट एन माइनस वन, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा क्यू वाला तुमने यूज किया, वही चीज उन्होंने बताया, और यहाँ पे देखो कर्व दिए हुए, ये कर्व आप देखोगे अभी तो ध्यान से देखना, स्क्रीन पे ध्यान दो सब लोग, कर्व में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले ये किसका कर्व है, मार्जिनल कॉस्ट का कर्व, ये क्या है एवरेज टोटल कॉस्ट, कहीं ना कहीं यू दिख रहा है, ठीक है। ये क्या है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, किधर गया ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और ये क्या है एवरेज फिक्स कॉस्ट, जो नीचे गया वो ऊपर आया नहीं, और इस दो वाला एमसीक्यू था, ठीक है। कर्व देख के तुम डरो मत, अभी तुम कोई भी वहां पे टेबल में एनालिसिस करोगे ना तो ये तुमको ऐसे ही दिखेगा, पहले कम हुआ फिर बढ़ा। एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे शेप है, पहले बढ़ा वैसे कम हो रहा है, कम हो रहा है, और बाद में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब तुम बोलोगे सर ये तो उनको मन में आया तो ड्रॉ कर दिया क्या, देखते हैं क्या है, ध्यान से पढ़ो क्या, एवरेज टोटल कॉस्ट इधर गया बेटा, एवरेज टोटल कॉस्ट 1050 से 545 बढ़ा कि कम हुआ, कम 380 कम 299 रिड्यूस 251
रिड्यूस, यहाँ पे जाके कहाँ तक रिड्यूस हुआ ये 161 तक, और बाद में क्या होना चालू हो गया इंक्रीज, और ये जितना तुम आगे जाओ दूसरे ऊपर ही जाएगा, एंड दैट्स व्हाई फिर इसका शेप कैसे बनता है, रिड्यूस होके फिर वो ऊपर जाता है, दैट इज क्या एवरेज टोटल कॉस्ट एटीसी। और इसका अभी आधे बच्चे क्या करते हैं, ये एटीसी एबीसी एफसी एमसी कुछ अलग ही ख्याल आते हैं, फुल फॉर्म एमसी का फुल फॉर्म क्या है, मार्जिन एटीसी एवरेज टोटल कॉस्ट, एबीसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एफसी एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो इन्हीं के फुल फॉर्म लगना, अपने बनाए हुए फुल फॉर्म को बोलने का नहीं। ये देखो एबीसी का तुमको समझ है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, ये पहला वाला फॉर्मूला। और दूसरा और एक तरीके से आ सकता है जो अपने को पता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये कहीं ना कहीं नीचे अगर दिया भी होगा, ये देखो एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, थियरी उन्होंने बहुत बड़ा किया हुआ है लेकिन तुमको ऑलरेडी पहले ही पता है। अब आना इस पे, तुमको सब समझेगा, फिर ये समझ में आ रहा है क्या क्या है एवरेज फिक्स कॉस्ट, क्या फॉर्मूला था एवरेज फिक्स का, टोटल फिक्स कॉस्ट, टीएफसी मतलब क्या, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय जो भी आपके यूनिट क्वांटिटी है वो। माइक समझ में आ रहा है क्या क्या सीन है इसमें, तुमको एक चीज बताता हूं मैं, जरा आप भी ऑब्जर्व करना, और ये पढ़ा के जा रहा हूं, और यहाँ पे देखना शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट की बात चल रही है, तो ये शॉर्ट रन ही ऊपर से जब मैं आऊंगा नीचे तुमको समझेगा। इसमें एक पॉइंट मुझे देखना है कि अंडरलाइन करना, ए ढोकलो पे अटेंशन, ए भाई तेरा ध्यान दे, यहाँ पे ध्यान दे, तुम बातें करने में टाइम पास कर रहे हो और बाद में घर पे जाके सेकंड टाइम पढ़ोगे, ऐसे मत करो। मैं कब से देख रहा हूँ तुम्हारे चेहरे से मुझे समझता है, 90% बच्चे पूरा अच्छे से देख रहे, प्लीज सर पे अटेंशन। एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है, एवरेज फिक्स कॉस्ट इज ऑब्टेन डिवाइडिंग टोटल फिक्स कॉस्ट बाय क्या बेटा, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। तो ये चीज तो आगे अपने को लर्न थोड़ी ना करना है। यहाँ पे एक जो लाइन है ना, ये देखो, इट विल स्लोप डाउनवर्ड्स थ्रू आउट द लेंथ बट विल नेवर विल नॉट टच विच एक्सिस, एक्स एक्सिस, एफ सी कैन नॉट बी जीरो। और इस पे एमसीक्यू आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि सर टोटल फिक्स कॉस्ट तो क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट, वो कभी भी चेंज होगा नहीं, लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे होता है, डिक्लाइन होते जाता है। आपने ऑलरेडी ओके okay, अब आवाज आ रहा होगा, ध्यान तो चार्जिंग को लगाना है। ओके स्पेयर टेंशन ना, ये वाला अब आप ना ये कर्व को चेक करो,
हमारा फिक्स कॉस्ट कितना था, तो ये तो इधर ही रहेगा। जब यूनिट बन ही नहीं रहे थे, अब देखना यहाँ पे जब यूनिट नहीं बन रहे थे तो वेरिएबल कॉस्ट कितना था, जीरो, ठीक है, जीरो ही था डायरेक्ट यहाँ पे था। जैसे जैसे तुम्हारे यूनिट बढ़ते गए तो तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ते गया, बोलो ये तोरनो, यूनिट जैसे जैसे आगे प्रोड्यूस होना चालू हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, तुम्हारा फिक्स कॉस्ट कॉन्स्टेंट रहेगा, फिक्स कॉस्ट कभी भी चेंज होगा नहीं, लेकिन तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट जैसे जैसे यूनिट बढ़ेगा वैसे वैसे चेंज होते जाएगा। ये है तुम्हारा टोटल फिक्स कॉस्ट का कर्व, ये तुम्हारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कर्व, लेकिन दिस प्लस दिस इन दोनों से ऊपर क्या रहेगा, टोटल कॉस्ट, 1000 + 10 तो 1010 रहेगा। तो ये देखो इन दोनों कॉस्ट के ऊपर तुम्हारा एक और कर्व बनेगा, इसको क्या बोलूंगा मैं, टोटल कॉस्ट। और ये टोटल कॉस्ट कौन से दो कॉस्ट का एडिशन है बेटा, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये इसीलिए हमेशा इनके क्या रहेगा, ऊपर ही रहेगा लॉजिकली, क्योंकि मेरा टोटल कॉस्ट किससे ज्यादा रहेगा, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा रहेगा। टोटल कॉस्ट जब जीरो प्रोडक्शन था तब इधर सेम था, लेकिन उसके बाद जैसे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने लगा मेरा ये कर्व लॉजिकली समझ रहा है क्या, ऊपर रहेगा, क्योंकि इन दोनों का एडिशन होके ये वाला कर्व बन रहा है, इन दोनों का एडिशन होके कौन सा कर्व बन रहा है, टोटल, ये कर्व समझा गया। देखो वापस एक बार ध्यान से देखो, इसका क्या है, शॉर्ट रन विद कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कर्व, हमें तुमको पहले ही बताया कॉस्ट फंक्शन में हम शॉर्ट रन लॉन्ग रन देखने वाले, जो जो पढ़ रहे हम शॉर्ट रन का ही पढ़ रहे, ठीक है, और वो टेबल भी उसी का, और टेबल समझ रहा है तो शायद मुझे लग रहा है कि और कनेक्टिविटी हो रही नहीं, तो मैं ऐसे सीधा पढ़ाना चालू करता और बच्चे ऐसे ही चालू करते हैं, फिर वो डायरेक्ट हो जाते हैं और फिर ना एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे, ठीक है। तो जान दो ये कर्व को देखो, समझ में आ रहा है क्या तुम्हारा, कर्व क्या बेटा है, कौन सा है, टोटल कॉस्ट का कर्व है। टोटल कॉस्ट कौन से दो एलिमेंट से बनता है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल, तो जो फिक्स है उसका कर्व हॉरिजॉन्टल है, तो वेरिएबल जो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है वैसे बढ़ रहा है, इन दोनों को ऐड करके इसके ऊपर क्या बन रहा है, टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो कर्व का टेंशन नहीं, मेरा बहुत काम इजी हो रहा है और आपका काम भी इजी हो रहा है, आपको बताओ आपसे पेजेस टर्न करो तो भी आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ये अब ये क्या बेटा, स्टेप स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं, कौन सा बेटा, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। और यूजुअली सेमी वेरिएबल कॉस्ट एक लेवल तक फिक्स रहता है, जैसे लाइट बिल का यूनिट, अब लाइट बिल में देखो एक लेवल तक तुमको 3 रुपया 4 रुपया यूनिट होता है, लेकिन तुम्हारा 100 यूनिट के ऊपर अगर बिल घुमा तो वो 7 रुपए से पर मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, ऐसे कुछ तो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, मतलब 4 ही मुझे पता नहीं, लेकिन ना कोई कॉस्ट सर्टन लेवल तक फिक्स है फिर वो चेंज हुआ, फिर फिक्स है फिर वो चेंज हुआ, तो ये क्या हो रहा है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, कौन सा है, सेमी वेरिएबल, मतलब कुछ लेवल तक चेंज सेम फिर वेरी का, सेम फिर वेरी का, ठीक है। ये भी हम तुमको बता, वेरिएबल कॉस्ट तो तुमने देख ही लिया, इंडिविजुअल फिक्स कॉस्ट तुमने देख ही लिया, फिक्स कॉस्ट का कर्व हमेशा क्या रहेगा, सीधा हॉरिजॉन्टल, वाई हॉरिजॉन्टल, पैरेलल टू विच एक्सिस एक्स, क्योंकि प्रोडक्शन कितना आउटपुट कितना भी बढ़े फिक्स कॉस्ट कभी भी चेंज होता नहीं, वो कॉन्स्टेंट ही रहेगा, दैट्स वाई यहाँ पे उसका वो पॉइंट, मतलब इसका लॉजिक था, समझ में आ रहा है बेटा, ये भी क्लियर होगा। टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा तुम्हारा क्या रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा बेटा, हमेशा कहा जाएगा ऊपर, ये वेरिएबल कॉस्ट का, क्योंकि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वेरिएबल कॉस्ट कर्व देख के बिल्कुल मत डर, मतलब मैं इसीलिए तुमको पहले कर्व एक्सप्लेन करा रहा हूँ, क्योंकि चैप्टर जैसे पलटते ना तो यही आंखों के सामने आता, और जैसे ही आंखों के सामने आया तुमको लगता है अब तो गया है चैप्टर, अब नहीं होगा तुम, लेकिन सिंपल है मानी, लॉजिक समझ रहा है, ओके डन। और अब ये खत्म हुआ एंड दैट शॉर्ट रन, और ये यहाँ से तुम्हारा थियरी चालू होगा, और चैप्टर तुम डन कर चुके हो, शॉर्ट रन तुम सब समझ चुके हो, जितना जरूरी था सब बता चुका हूँ, सिर्फ ये पॉइंट पढ़ना है यहाँ पे, ये जो पॉइंट है ये जो हम पढ़ने वाले हैं, रिवर्स में कभी कभी आंसर हमें मिलता है, सीधे सीधे सवाल के जवाब नहीं मिलता, तो हमने रिवर्स में जब गाड़ी शुरू की तो यहाँ तक आते थे कॉन्फिडेंस तो भी आया कि हाँ समझेगा, अब जो पढ़ रहे क्योंकि ये हमने ऊपर पढ़ लिया, ये जो भी है फिक्स वेरिएबल, ये कल का पॉइंट था कंसेप्ट, ये क्या है बेटा, कॉस्ट फंक्शन, अब जो हम पढ़ रहे हो क्या पढ़ रहे, कॉस्ट फंक्शन, दो तरीके से, एक शॉर्ट रन और एक क्या लॉन्ग रन, लेकिन ये पूरा पैराग्राफ आप स्टार्टिंग से पढ़ना, कॉस्ट फंक्शन, cost function refer to which relation, mathematical relation between cost of product and various determinants of क्या बेटा, cost, determinants of cost क्या होते, मेरे को बताओ, मैंने टेक्नोलॉजी एडवांस कर लिया, मशीनरी ला लिया, मशीनरी पहले 100 वर्कर लगते थे काम को तो 100 लोगों को सैलरी देना पड़ता था, अब 100 लोगों का काम 2 वर्कर के द्वारा एक मशीन से हो रहा है, कॉस्ट बढ़ा कि कम हुआ,
तो डिटरमिनेंट ऑफ कॉस्ट क्या मैं टेक्नोलॉजी को बोलूं क्या? मतलब जिसकी वजह से डिमांड का डिटरमिनेंट देखो प्राइस था, चेंज ऑफ पॉपुलेशन था, वैसे यहाँ पे किसके डिटरमिनेंट थे? कॉस्ट। हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? फंक्शन। कौन सा फंक्शन? कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन रेफर विच रिलेशन? मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड वेरियस डिटरमिनेंट्स ऑफ कॉस्ट। इतना समझा क्या? किसके बीच में मैथमेटिकल रिलेशन? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड वेरियस डिटरमिनेंट्स ऑफ दैट कॉस्ट इन कॉस्ट फंक्शन। The dependent variable is unit cost or total cost and independent variable are price of the factor. Factor मतलब land, labor, capital आना, ठीक है? The size of output or any other relevant phenomena which has bearing on cost such as technology, level of capacity utilization, efficiency, time period under consideration etc. तो ये क्या हो गए? Various determinant of cost हो गए। तो मेरे को बताओ कॉस्ट फंक्शन में कौन सी दो बातें? कॉस्ट फंक्शन में कौन सी दो बातें? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और क्या? वेरियस डिटरमिनेंट्स ऑफ कॉस्ट। इसमें डिपेंडेंट कौन है और इंडिपेंडेंट कौन है? ये क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल इज यूनिट ऑफ कॉस्ट। इंडिपेंडेंट क्या है? ये वेरियस है, वेरियस डिटरमिनेंट ऑफ। ये क्या है? इंडिपेंडेंट। लॉजिक हो रहा है? मैं बहुत बहुत आराम से बता रहा हूँ। क्या पढ़ रहे हम लोग? तीसरी बार बता, कॉस्ट फंक्शन। सबके दिमाग में आ रहा है क्या पढ़ रहे हम लोग? कॉस्ट फंक्शन। कितने वेरिएबल? दो, एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और एक डिटरमिनेंट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, क्या डिपेंडेंट है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? उसके डिटरमिनेंट। अगर टेक्नोलॉजी बढ़ा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कम हो जाए, डिपेंडेंट है। टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो डिपेंडेंट है ना। लॉजिक समझ रहा है क्या? एकदम लर्न मत करो, समझो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड है किस पे? उसके डिटरमिनेंट्स पे। ये पॉइंट समझ रहा है क्या? पढ़ के ठीक है। और ये सारे डिपेंडेंस बराबर पढ़ रहे ना, आप कुछ गलत नहीं ओके। कॉस्ट फंक्शन इज फंक्शन व्हिच इज ऑब्टेन फ्रॉम प्रोडक्शन फंक्शन एंड मार्केट सप्लाई ऑफ इनपुट। इट एक्सप्रेस the relation between cost and what? Output. Underline करना। Cost function किसके express करता है? Relation between input and क्या? Cost and क्या? Output. Cost function are derived from what? Actual cost data of the firm and are presented through which? What data? Cost. Underline करो। किसके through cost function को present किया जाता है? तो answer is cost curves। और ये cost curve देखे तुमने? Fixed cost का cost curve क्या रहता? Constant है ना, horizontal। वेरिएबल में वो ऊपर जा रहा है, तो दिस इज। लेकिन एमसीक्यू क्या आएगा? कॉस्ट फंक्शन आर डिराइव्ड फ्रॉम एक्चुअल कॉस्ट डेटा ऑफ फर्म एंड आर प्रेजेंटेड थ्रू व्हिच कर्व? कॉस्ट। द शेप ऑफ कॉस्ट कर्व डिपेंड अपॉन व्हाट? कॉस्ट फंक्शन आर टू काइंड्स। और यहाँ पे दूसरा, दो प्रकार के कॉस्ट फंक्शन, एक शॉर्ट रन और एक जो हम अभी पढ़ते आए ना, तुमको बोला कि ऐसे ऐसे करते जो पढ़ा दिया मैंने, वो क्या था? शॉर्ट। और पेश आगे करके देखना, लॉन्ग रन बहुत छोटा सा है, उसमें तुमको बहुत सारे कर्व दिखेंगे, छोटे 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 छोटे, वो लॉन्ग रन है और तुम्हारा कॉस्ट फंक्शन डन। और आगे और चैप्टर पे जाना, तुमको इकोनॉमी और डिसइकोनॉमी ऑफ स्केल दिखेगा। एंड पे चले जाओ, चैप्टर देखना चालू करो। इकोनॉमी और डिसइकोनॉमी स्केल पूरा थियरी है उसमें, छह छह पांच पांच। तुमको लगता होगा चैप्टर बहुत बड़ा, लेकिन चैप्टर सिंपल है अगर तुम बहुत उसको टेक्निकल और कंसेप्चुअली तरीके से देखोगे। अगर सिर्फ रीड करने जाओगे तो सब बम्पर चला जाए। इकोनॉमी और डिसइकोनॉमी देखा, वो तो सिर्फ पढ़ते वक्त तुमको समझेगा आंसर, इतना कुछ नहीं। और एमसीक्यू यही से आएगा। और मैं चाहता हूँ कि जब मैं पढ़ाऊँ तुम इतना अच्छे से ध्यान दो, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। एमसीक्यू तुमने लिए 320-330 एमसीक्यू दिखाए थे तुम्हारे नोट्स में, कुछ तो 320 है ना, 320 एमसीक्यू। प्रॉपर प्रैक्टिस अगर कर लिया, 320 इंपॉर्टेंट लाइन तीसरे चैप्टर कर ली, तो भाई इतना कॉन्फिडेंस लेके आना कि सर आता हमारा सेकंड चैप्टर रिवाइज करायचा, फर्स्ट छोटा सा है, पांचवा छोटा सा है, फिर रह जाता एक ही चैप्टर, दैट इज व्हाट फोर्थ, और फोर्थ भी मेरे साथ ही कर लो। तो एग्जाम के तुमको पहले ये जो टाइम पीरियड है अपना, उसमें तो तुमको बीसीके को अच्छे से करना है, मतलब फॉर डिसम्बर अटेम्प्ट, मे वालों को तो यही नहीं, तो बीसीके को अच्छे से तुम करो तो तुम्हारा अच्छे खत्म हो जाए। और ये तो हर जगह ये कंसेप्ट तो मे वालों को भी सेम ही है,
कॉस्ट फंक्शन की, मतलब ये चैप्टर कुछ बदला ऐसे बात नहीं, वो तो सेम ही आपको चलेगा करके, समझ में आ रहा है क्या? यस और नो? तो अभी शॉर्ट रन में आप देखना, आपको देखो सब चीजें पता है, अब आपको फील होगा उन्होंने कहा कि टोटल कॉस्ट होता है फिक्स कॉस्ट और क्या वेरिएबल कॉस्ट, और आपको ऑलरेडी पता अब ये टोटल कॉस्ट किन से बना है, फिक्स प्लस वेरिएबल। अब आप रीड करना चालू करेंगे, पहला पैराग्राफ आप रीड करो, आपको सब सबसे चलो पढ़ा के आपने क्या बेटा ये, ठीक है, और आपको समझ में भी आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि आप क्या पढ़ रहे हो, अगर आपने इस लेक्चर को स्टार्टिंग से ही प्रॉपर अच्छे से सुना है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी करके। सी टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स एंड क्या वेरिएबल कॉस्ट, देर आर सम फैक्टर विच कैन इजिली एडजस्टेड विद चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट, अ फर्म कैन रेडिली इंप्लॉय मोर वर्कर इफ इट हैज इंक्रीज आउटपुट, अगर उसे ज्यादा आउटपुट बढ़ाना है तो उसे डेफिनेटली किसको ज्यादा इंप्लॉय करना पड़ेगा, वर्कर को, ज्यादा इंप्लॉयज को काम पे लगाना पड़ेगा। सिमिलरली इट कैन परचेज मोर रॉ मटेरियल इफ इट हैज टू एक्सपांड प्रोडक्शन, उसे प्रोडक्शन बढ़ाना है तो क्या ज्यादा खरीदना पड़ेगा, रॉ मटेरियल। सच अ फैक्टर विच कैन इजिली वेरीड विथ चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट आर कॉल्ड डैश डैश फैक्टर, विच फैक्टर वेरिएबल फैक्टर्स, ये फैक्टर्स की बात हो रही है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड देर आर सम फैक्टर्स सच एज बिल्डिंग कैपिटल इक्विपमेंट टॉप मैनेजमेंट टीम विच कैन नॉट बी इजिली वेरीड, जो बिल्डिंग है वही कितने दिनों से वही फैक्ट्री है, वही मैनेजर है, जो इजिली चेंज नहीं हो रहे, ठीक है। इट रिक्वायर कंपेरेटिवली लॉन्गर टाइम टू मेक चेंजेस इन देम, इट टेक टाइम टू इंस्टॉल न्यू मशीनरी, सिमिलरली इट टेक टाइम टू बिल्ड न्यू फैक्ट्री, सच अ फैक्टर विच कैन नॉट रेडिली वेरीड रिक्वायर लॉन्गर पीरियड टू एडजस्ट, उसको कौन सा फैक्टर कहेंगे बेटा, फिक्स फैक्टर। तो पहले पैराग्राफ में उन्होंने फैक्टर्स की बात की, एक वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर, जो इजीली चेंज होते हैं वेरिएबल है, जो जो टाइम लेते हैं, जो जल्दी चेंज नहीं होते उन्हें हम क्या बोलते हैं, फिक्स फैक्टर। करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्शन बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर वी डिफरेंशिएट बिटवीन शॉर्ट रन एंड क्या बेटा लॉन्ग रन टाइम, तो उसको डिफरेंस में जाने के लिए हमको कौन से टाइम कैसे उसको कौन से पॉइंट ऑफ व्यू को देखेंगे, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, ये हम मेथड ये टूल हम यूज करेंगे। शॉर्ट रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम इन विच आउटपुट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय चेंजिंग ओनली द अमाउंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर सच एज लेबर रॉ मटेरियल एक्सेट्रा, इन शॉर्ट रन क्वांटिटीज ऑफ फिक्स फैक्टर कैन नॉट बी चेंज वेरिड, मतलब चेंज इन अकॉर्डेंस टू चेंज इन आउटपुट। क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है, कहीं तो ये पढ़ा था हमने, यूनिट वन में हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन पढ़ा था और लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल पढ़ा था, ये कौन से बेसिस पे पढ़ा था, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, और जब हमने तब शॉर्ट रन और लॉन्ग रन पढ़ा था तो क्या टाइम पे बेसिस पे पढ़ा था क्या, नहीं डोकलो मुंडे कह रहे, हाँ टाइम के बेसिस पे कभी नहीं पढ़ा था। हमारा शॉर्ट रन और लॉन्ग रन क्या होता है, फैक्टर्स पे, कि जब हमारा एटलीस्ट एक फैक्टर कांस्टेंट है, सारे फैक्टर चेंज नहीं हुए, एटलीस्ट एक, उसे शॉर्ट रन कहेंगे, और जब हमारे सारे फैक्टर चेंज हो रहे उसे लॉन्ग रन कहेंगे। तो इन्होंने वही कहा है ना, यहाँ पे लैंग्वेज देखो और आप ऐसे कनेक्ट करो, ऐसे नहीं कि बैठे हो सर बस, ये शॉर्ट रन लॉन्ग रन टाइम के हिसाब से अभी भी नहीं है, उन्होंने वही समझाने की कोशिश कर रहे, वो कह रहे करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर वी डिस्टिंग्विश बिटवीन शॉर्ट रन एंड क्या लॉन्ग रन टाइम पीरियड, शॉर्ट रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम इन विच आउटपुट कैन बी इंक्रीज, आउटपुट बढ़ेगा कम होगा ठीक है, मैंने दो लेबर बढ़ा दिए, चार लेबर बढ़ा दिए, लेकिन मैं मेरा फैक्ट्री बदल नहीं पा रहा हूं, तो एक फैक्टर क्या है कॉन्स्टेंट, तो उसे मैं क्या कहूंगा शॉर्ट रन, लेबर बढ़ने से आउटपुट बढ़ेगा ही, लेबर कम होने से कम हो गए, शॉर्ट रन में आउटपुट इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है बाय चेंजिंग ओनली अमाउंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर लेबर रॉ मटेरियल एक्सेट्रा, इन शॉर्ट रन क्वांटिटीज ऑफ फिक्स फैक्टर कैन नॉट बी वेरिड अकॉर्डिंग विद क्या बेटा चेंजेस इन आउटपुट, तो शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर चेंज हो गए नहीं, क्या समझ में आएगा तुमको, और ऐसे पढ़ो, इसे कहते हैं एनालिटिकल व्यू, भले मॉड्यूल पढ़ो तो समझ के पढ़ो, तुम्हारा रीडिंग होता है पढ़ने का, भाई क्या पढ़ा बोले वो नहीं पता सर, मुझसे वासून डाल यहां तक डन क्या, इफ द फर्म वांट टू इंक्रीज आउटपुट इन शॉर्ट रन इट कैन डू ओनली इंक्रीजिंग क्या बेटा वेरिएबल फैक्टर, हम बोलते वेरिएबल फैक्टर बाय यूजिंग मोर लेबर एंड बाय बाइंग क्या मोर रॉ मटेरियल, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया कि अगर शॉर्ट रन में बढ़ाना है तो उनको लेबर ज्यादा करने पड़ेंगे, रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, दस शॉर्ट रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम विच ओनली वेरिएबल फैक्टर कैन बी व्हाट वेरिड, वेरी मतलब चेंज, व्हाइल इन क्वांटिटीज ऑफ फिक्स फैक्टर रिमेन्स अनअल्टर्ड, अनअल्टर्ड मतलब चेंज हो गए नहीं,
In other hand, long run is a period of time in which quantity of all factors may be varied. In other word, all factor become variable in which run long run. तो समझ रहा है क्या बेटा तुमको short run long run? हर एक पैराग्राफ समझो और जितना यहाँ पे तुम इंटरप्रिटेशन दोगे उतने एमसीक्यू सही जाएंगे और यहाँ पे तुम अगर इंटरप्रिटेशन से भागोगे तो एमसीक्यू में गलतियां करोगे. ठीक है, फैक्टर्स पढ़ रहे हम शॉर्ट रन और क्या लॉन्ग रन करके और यहाँ पे लॉन्ग रन कैसे डिवाइड करें. दस वी फाइंड दैट फिक्स कॉस्ट आर दोस कॉस्ट विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट आउटपुट मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज. फिक्स कॉस्ट आउटपुट का मोहताज नहीं है. रेंट तो मेरा आने वाला है, बच्चा आए या ना आए तो फिक्स कॉस्ट आउटपुट पे डिपेंड रहेगा नहीं. आपने मशीनरी खरीद ली अब आप प्रोडक्शन करो मत करो, फिक्स कॉस्ट हो चुका है. तो फिक्स कॉस्ट क्या है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट, अंडरलाइन करो. दे डू नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट. दिस कॉस्ट आर फिक्स अमाउंट विच आर इंकर्ड बाय फर्म इन विच रन शॉर्ट रन वेदर द आउटपुट इज स्मॉल और लार्ज. Even the firm closed down for some time in short run, but remain in business. अगर मैंने lockdown में classes बंद किए, मतलब मेरे student नहीं आ रहे, covid आ गया, है ना? लेकिन मैं भाड़ा तो दे ही रहा हूं. तो business इसका line क्या है? Remaining in the business मतलब class चालू है, लेकिन online हो रहे. Class इधर कोई नहीं आ रहा, लेकिन rent जा रहा है क्या? हाँ, मेरा fixed cost incurred हो ही रहा है. दिमाग में जा रहा है कि नहीं बात? Everybody. These costs have to be borne by it. Fixed costs include such as charges, contractual rent, insurance fees, maintenance costs, property tax, interest on capital employed, manager ka salary, watchman ka wages. The fixed cost curve represented as follow. और अब जाके उन्होंने आपको fixed cost का curve दिया और आपको इतने detail में पढ़ रहा हूँ जब मैं बोल रहा हूँ आपको पढ़ने को time दिया है. और अगर तुमने मैंने पढ़ने को time देने के बाद भी ये पढ़ा और तुमको नहीं समझा तो इसका मतलब CA level की पढ़ाई अपन नहीं कर रहे. और ऐसी पढ़ाई तुम घर पे कर रहे हो तो सीए नहीं हो पाएगा बेटा, क्योंकि तुम गलत ढंग से पढ़ रहे हो. तुमने भी ये पढ़ा लेकिन मेरे बोलने के बाद समझा, अच्छा सर फिक्स कॉस्ट ये इंडिपेंडेंट आउटपुट, और तुमने पढ़ा तब हाँ तब ध्यान नहीं दिया. तो आउटपुट से वो चेंज होता नहीं है, फर्क पड़ेगा नहीं. अगर बिजनेस अगर चालू है, भले कुछ वक्त के लिए बंद भी हो जाए तो भी वो कॉस्ट तो इंकर करना पड़ेगा. और वो कैसे शो करेगा हम फिक्स को, फिक्स कॉस्ट को, ये रहा. समझ में आया क्या? कंप्लीट फिक्स कॉस्ट शॉर्ट रन में हम लोग बता रहे. वेरिएबल कॉस्ट ऑन द अदर एंड आर दोस कॉस्ट विच चेंज विद द चेंज इन आउटपुट. दिस कॉस्ट इंक्लूड पेमेंट ऑफ वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर इंप्लॉयड, प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल, फ्यूल वगैरह वगैरह वगैरह. इफ फर्म शट डाउन फॉर शॉर्ट पीरियड इट मे नॉट यूज वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड देयरफॉर विल नॉट देयरफॉर इंकर एनी वेरिएबल कॉस्ट. क्लासेस बंद है अगर कोविड में, मैंने चार जो मेरे स्टाफ थे उनको बोला अभी तुम भी घर पे बैठो, तुम्हें चार महीना सैलरी देना नहीं है, सिंपल सी बात है ना. मतलब जो वेरिएबल फैक्टर है, जो मैं अच्छा है यहाँ पे जो चार महीने वो मावशी आ रहे झाड़ू मारने, मैंने बोला आप तुमको अब देखो ये सोशल कॉज अलग है कि हम उनको सैलरी दे देंगे वो बात छोड़ दो, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ. अगर बोला क्या था चार महीने मुलस एनआर नहीं है झाड़ूस मारे ऐसा नहीं है तो मेरा कॉस्ट कम हो सकता है क्या? इट इज वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है ना, अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट में, जो तुम्हारा बिजनेस बंद हुआ तो वेरिएबल कॉस्ट बंद हो जाएगा, बिजनेस चालू हुआ वेरिएबल कॉस्ट चालू हो जाएगा. समझ में आ रहा है क्या? यस सर, यस. तो वही है वेरिएबल कॉस्ट का तुमको यहाँ पे दिया कर्व दिया है और डिपेंडेंट रहेगा. दीस आर सम कॉस्ट विच आर नाइदर परफेक्टली वेरिएबल नॉर एब्सोल्युटली फिक्स्ड इन रिलेशन टू चेंजेस इन द साइज ऑफ आउटपुट. दे आर नॉट एज क्या बेटा, सेमी वेरिएबल कॉस्ट. अंडरलाइन करो, कुछ कुछ कॉस्ट ना परफेक्टली फिक्स है ना परफेक्टली वेरिएबल है, वो चेंज होते रहती है ना. कभी एक लेवल तक फिक्स था फिर वेरी हो गया, उसको हम क्या कहेंगे? सेमी वेरिएबल कॉस्ट. ऐसे तुमको एमसीक्यू आएगा कि जो कॉस्ट नाइदर परफेक्टली वेरिएबल नॉर एब्सोल्युटली फिक्स, उस कॉस्ट को क्या कहा जाता है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट. इट विल रिफ्लेक्ट इन फिगर 7. एग्जाम्पल, उसका क्या एग्जाम्पल बेटा? इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इंक्लूड बोथ फिक्स चार्ज और चार्ज बेस्ड ऑन क्या? कंजम्पशन. तुमको एक बात बताओ, इलेक्ट्रिसिटी तुम लोग ना गांव चले जाओ एक महीना घर पे खुद भी मत चलाओ एक भी नहीं, तो भी तुमको फिक्स चार्ज आता है उसका 120 रुपया, 160 रुपया, डिपेंड कमर्शियल अलग अलग होता है. ऐसे नहीं कि लाइट बिल नहीं आएगा. तुम एक महीने तक कुछ भी मत यूज करो तो भी फिक्स चार्ज है, और जैसे तुमने यूनिट यूज किया वैसे क्या आएगा? लाइट बिल आएगा. 100 के ऊपर गया तो यूनिट का चार्जेस बढ़ जाएगा, 200 के ऊपर गया तो और वो इंटरेस्ट ज्यादा लगा देगा. तो दिस इज उनका फंडा, क्या टेक्निकलिटी उसमें मत जाओ, लेकिन जो कॉस्ट ना परफेक्टली फिक्स है ना परफेक्टली वेरिएबल है उसको क्या बोलते हैं? सेमी वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट देखो,
टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट, इसमें दोनों का फंडा रहता है, फिक्स कॉस्ट और क्या वेरिएबल कॉस्ट। देर आर सम कॉस्ट विच मे इंक्रीज इन स्टेयर टेप फैशन, दे रिमेन फिक्स ओवर सर्टन रेंज ऑफ आउटपुट बट सडनली जम्प टू न्यू हायर लेवल वेन टोटल आउटपुट बियॉन्ड गिवन लिमिट। कॉस्ट इनकर्ड टुवर्ड द सैलरी ऑफ फॉरमैन विल हैव सडन जम्प इफ अनदर फॉरमैन इज अपॉइंटेड वेन वन आउटपुट प्रोसेस क्या बेटा कंप्लीटेड। मतलब उन्होंने कहा जब तुम्हारे पास इस आउटपुट तक एक ही इंप्लॉय था तो तुम सिर्फ 10,000 सैलरी देते थे, लेकिन आउटपुट बढ़ा, दूसरा इंप्लॉय अपॉइंट किया तो सडन तुम्हारा सैलरी कितना हो गया 20,000। एक लेवल तक वो फिक्स है, फिर सडन जम्प, फिर फिक्स सडन जम्प, तो इसको कौन सा तुम बोलोगे स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट। एक लेवल तक फिक्स, सडन जम्प बढ़ाया तो क्या रहेगा स्टेयर स्टेप फिक्स। फिर देखो इतने टाइम तक फिक्स रहा, फिर अगेन जम्प आया, फिर फिक्स रहा, अगेन जम्प, फिक्स जम्प फिक्स स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट। ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया तुमको, ये किसका है बेटा शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट का। टोटल कॉस्ट का कौन से दो कॉस्ट से बनता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट। इन दोनों कॉस्ट को मिला के तुम्हारा क्या बनता है बेटा ये वाला, ये फॉर्मूला तुमको पता है टोटल कॉस्ट, ये क्या है तुम्हारा फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ये इतना पढ़ो सिर्फ, ये पूरा पैराग्राफ पढ़ो, मैं सवाल पूछूंगा फटाफट से। हाँ जस्ट ए मिनट, तुमको कंक्लूड करता हूं मैं, होमवर्क समझो है क्या, अभी ये रीड करके आना है। अब ज्यादा स्पून फीडिंग मतलब मेरा काम तो आपको बहुत परफेक्टली बता रहा हूं, और ऐसे ही सीए के स्टूडेंट ने पढ़ना चाहिए। तुम लोग एकदम लाइट मोड में पढ़ोगे तो गलतियां करोगे करके, ये ऑलरेडी जो डिस्कस हो गया वही पार्ट है, प्रॉपर पढ़ो। यहाँ पे अगर कुछ अलग लाइन आई जो आएगी नहीं, वही है जो डिस्कस किया उसको अंडरलाइन करो। एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, इसमें आता है एवरेज फिक्स कॉस्ट। कैसे निकालते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, वो हमेशा क्या होगा डाउनवर्ड, लेकिन वो कभी भी क्या नहीं होगा जीरो नहीं होगा। कौन से एक्सिस को टच नहीं करेगा, एक्स एक्सिस, ऑलरेडी डिस्कस है। आगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये देखो उन्होंने कहा फर्स्ट वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्लाइन होगा और बाद में क्या होगा इंक्रीज होगा, तो ये लाइन सिर्फ पढ़ना। राइजेस देखो पहले क्या था बट बियॉन्ड, ये इतना पढ़ो। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रहेगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नॉर्मली फॉल एज आउटपुट इंक्रीज फ्रॉम जीरो टू नॉर्मल कैपेसिटी, और उसके बाद वो क्या होगा इंक्रीज होगा डिमिनिशिंग रेट से, इतना एक बार रीड करना सिर्फ। इसके बाद एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और दूसरा फॉर्मूला हमने और क्या देखा था टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, दोनों दिया हुआ। मार्जिनल कॉस्ट क्या बेटा, ये टीसी, ये था ना एन माइनस टीसी, लेकिन एक बार इसको रीड करो ना अंदर से, वही है उसमें कुछ अलग नहीं आएगा, एडिशनल कॉस्ट बोला रहेगा। तो ये शॉर्ट रन वाला मेरा पॉइंट खत्म हुआ, डन। अब लॉन्ग रन हम देखेंगे कल, लेकिन ये तीन चीजें आपको यहां तक रीड करके आनी है प्रॉपर। लॉन्ग रन के बाद ही अपना सी बी कैटेगरी अच्छे से करेंगे और फिर तुम्हारा यूनिट डन हो जाएगा और फिर टेस्ट ले लेंगे। चलो थैंक यू, बाय बाय।